Hello and welcome back at Mastercam CNC Milling Operations Tutorial. Mastercam के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, इसका टूल किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं, फीड किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं, स्पेंडल स्पीड सिलेक्शन किस तरीके से होता है, और साथ ही दो एग्जाम्पल्स की मदद से जिसमें हम एक आउटर एरिया में कटिंग करेंगे और एक इनर एरिया में कटिंग करेंगे और आपको दिखाने वाले हैं कि थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं दो पार्ट्स के लिए ऑपरेशन बना रखा है। यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल में थ्रेड काट रखा है और एक हमने एक होल के लिए थ्रेड कटिंग कर रखी है। तो इस दोनों ही एग्जांपल्स की मदद से हम समझेंगे कि किस तरीके से थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन क्रिएट किया जाता है। तो गाइस, थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि थ्रेड हमें कितने का बनाना है। अभी हम सबसे पहले समझने वाले हैं वो ये चीज़ है कि यहाँ पर जो हमें एक एक्सटर्नल थ्रेड क्रिएट करना है, तो यहाँ पर इसका एक्सटर्नल थ्रेड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें ये जब पता होना चाहिए कि थ्रेड्स की जो है वैल्यू क्या क्या है। तो यहाँ पर हमने जो एक्सटर्नल थ्रेड है वो है हमारा M27 का। जो हमारा एक्सटर्नल थ्रेड है, ध्यान रहे, वो है M27 और जिसकी पिच है 3, जो हमारा एक स्टैंडर्ड थ्रेड के काउंट में आता है। M27 × 3 की पिच है। तो उस पार्ट के लिए हम थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन बनाएंगे। जब हमारे पास डायामीटर M27 रहेगा तो मेजर डायामीटर हो गया हमारा 27 और माइनर डायामीटर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 24 mm। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये वैल्यू आपको दिखाने और समझने के लिए अलग से लिख रखी है। मेजर डायमीटर वैल्यू 27, माइनर डायमीटर वैल्यू 24 mm। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक्सटर्नल के लिए थ्रेड प्रोग्राम बना के दिखा देते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए यहाँ पर जो भी प्रीवियस चीज़ें हैं उन सभी को मिटा देते हैं। सबसे पहले हमें क्लिक करना है टूल पाथ पर, टूल सेटिंग, हमें प्रोग्राम नंबर दे देना है और सभी पैरामीटर्स पर मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे जो सॉलिड पार्ट अर्थात स्टॉक साइज है वो हम एक सॉलिड पार्ट को ही स्टॉक साइज ले रहे हैं, एंड देन ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा सॉलिड पार्ट जो है और स्टॉक में डिस्प्ले करके ओके पर क्लिक कर दिया। तो आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें एक सॉलिड पार्ट जो हमारा स्टॉक साइज में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसके लिए एक्सटर्नल के लिए थ्रेड बनाना है। तो थ्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम चले जाते हैं टूल पाथ। टूल पाथ में जाने के बाद अब हमें क्लिक करना है थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन पे सिलेक्शन करना है। जैसे ही हम थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन सिलेक्शन करते हैं तो अब हमें यहाँ पर चूज़ करना है वो एंटिटी जहाँ पर हमें थ्रेड क्रिएट करना है। थ्रेड क्रिएट बेहद ही ईजी टाइप का ऑपरेशन है, तो हम यहाँ पर सिलेक्शन कर लेते हैं एक्सटर्नल का जो है एरिया उसे सिलेक्शन कर लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो हमने यहाँ पे एक आर्क सिलेक्शन कर लिया है जो इसका डायमीटर है 27 mm। देन हमने क्लिक करना है ओके पर, और अभी हम यहाँ पे टूल सिलेक्शन का दिखा देते हैं कि टूल सिलेक्शन कैसे करते हैं, कैसे प्रोसेस रहता है, नया टूल कैसे क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक करना हमें, चाहें तो हम यहाँ पर लाइब्रेरी की मदद से भी थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन का टूल ले सकते हैं, बट हम इसके लिए आपको एक नया ही टूल क्रिएट करके दिखाएंगे। राइट, राइट क्लिक, एडिट कर लेते हैं, एडिट टूल। अब जब हम थ्रेड मिलिंग का ऑपरेशन जब कभी भी हम टेक्निकली, मैं आपको सिंपल से बताऊं तो थ्रेड मिलिंग का ऑपरेशन जब कभी भी हम करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखा देना कि हमारा जो टूल है उसकी पिच की साइज़ कितनी है, जो एग्जैक्ट पिच की साइज़ कितनी है। अभी हमारा जानते हैं कि थ्रेड मिलिंग के लिए जो पिच की साइज़ है, इस ऑपरेशन के लिए 3 साइज़ है पिच। देन हमें यहाँ पर लिखना है कि आउटर डायमीटर कितना है, जो हमारा टूल है इसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, ओवरऑल लेंथ कितनी है, और यहाँ पे जो कटिंग लेंथ कितनी है। जितना हमारा थ्रेड मिलिंग के अंदर पिच का साइज़ हो उतना ही कटिंग लेंथ लिख लें। देन नेक्स्ट वन रहता है शोल्डर लेंथ कितना है और शोल्डर का डायमीटर कितना है। शोल्डर के डायमीटर को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे ताकि हमारा कटिंग करते समय समझने में इजी रहे। नेक्स्ट वन हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड फिनिश। तो इस तरीके से हमने थ्रेड मिलिंग का टूल बना लिया है।
अब यहाँ पे थ्रेड मिलिंग के लिए फीड रेट रखते हैं वो लगभग लगते हैं 100 to 250 और स्पेंडल स्पीड लगभग 500। साथ ही हम यहाँ पे कमेंट कर लेंगे। कमेंट में हमने लिख दिया है कि M27x3mm की पिच है और ये पिच है एक्सटर्नल के लिए। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन में, जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं वो हैं हमारे कटिंग पैरामीटर। कटिंग पैरामीटर में जो सबसे पहली वैल्यू देनी होती है हमें नंबर ऑफ एक्टिव थ्रेड, जिसका अर्थ है कि जो हमारा ये टूल है इसके ऊपर यहाँ पे ये थ्रेड नंबर कितने हैं। नॉर्मली जब हम कभी भी थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन VMC मशीन पर क्रिएट करते हैं तो हम करते हैं CNC लेथ के इंटरनल थ्रेडिंग की टूल की मदद से। तो इसके अंदर जो थ्रेड के इंसर्ट्स रहते हैं वो रहता है नंबर वन, ओनली नंबर एक ही इंसर्ट्स रहता है। नेक्स्ट जो चीज़ रहती है हमारी थ्रेड की पिच की, अर्थात थ्रेड की पिच कितनी है, थ्रेड का स्टार्टिंग एंगल कितना देना है वो हमने 0 डिग्री रखा अर्थात यहीं से स्टार्ट होगा। साथ ही अलाउंस या ओवरकट रखना है या फिर हमें अलाउंस रखना है एक्सटर्नली वो रखना हो तो। साथ ही यदि हमें टेपर थ्रेड क्रिएट करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पर वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर सिलेक्शन करना है कि थ्रेड है वो हमारा आउटर डायमीटर के लिए है या इंटरनल डायमीटर के लिए। जब हमारा आउटर डायमीटर के लिए थ्रेड हो तो यहाँ पर आउटर सिलेक्शन कर लेना है, ओवरराइड ज्योमेट्री पर क्लिक करके जितना हमारा पिच का साइज़ हो वो वैल्यू इनपुट कर देना। पिच का साइज़ निकालने के लिए क्या करना है, हमें मेजर डायमीटर माइनस पिच वैल्यू, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली माइनर डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें राइट हैंड थ्रेड है या लेफ्ट हैंड थ्रेड है और साथ ही जो थ्रेड है वो कहाँ से स्टार्ट होनी है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, हमने यहाँ पे टॉप टू बॉटम सिलेक्शन किया है। देन लीड इन एंड लीड आउट, जब हम एक्सटर्नल थ्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पर एंट्री एंड एग्जिट लाइन में थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज कर लें। एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम लिंकिंग पैरामीटर्स के बारे में। लिंकिंग पैरामीटर में अब हमारे थ्रेड का जो टॉप वैल्यू है वो है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और थ्रेड का जो बॉटम वैल्यू है वो यहाँ तक जा रहा है, तो 0-0 तक जा रहा है। तो इसके लिए हमने 5 mm ऊपर रख दिया, तो 5 mm। सो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो हमने जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्सटर्नल के लिए हमने थ्रेड क्रिएट कर लिया है। तो इसको 2D में रन करने के लिए बैक प्लॉट, और जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं आप बिल्कुल ही क्लोजली जो है हमारा अंदर का जो माइनर डायमीटर है वहाँ तक हमारा मटेरियल जो है ऑटोमेटिकली कट हो रहा है। सो आई विश की समझ में आ गया होगा कि आपको एक्सटर्नल में किस तरीके से थ्रेड कट हो सकती है। सिमिलरली सेम टू सेम ऑपरेशन मैं आपको इंटरनल में भी बना करके दिखा देता हूँ। इंटरनल में बनाने के लिए अब कुछ बेहद ईजी टिप्स का यूज़ करेंगे। हम इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी